जिंदगी में हर किसी का अपना अपना आसमान, हर कोई अपने जुनून की कह रहा है दास्तान। उसका म्यूजिक और डांस में इतना इंटरेस्ट है, सच वो बहुत अच्छी कलाकार है। मिस जानकी, अरे आप यहाँ कैसे? मिस ज्योति ने मुझे खास तौर से इनवाइट किया था। अच्छा, आप भूल रही हैं, मिस ज्योति सिर्फ आप ही की नहीं मेरी भी बहुत अच्छी मित्र हैं। इनका परिचय? ओह सॉरी मिस तिलक, मैंने अपने मामा का परिचय आपसे नहीं करवाया। ये है श्री आनंद, हेलो, पुलिस इंस्पेक्टर, आजकल तुनी में रहते हैं। मामा ये है मिस्टर तिलक, मेडिकल कॉलेज में है। मिस्टर आनंद आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी मिस्टर तिलक। आप तुनी में क्यों रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं आ जाते? वैसे ट्रांसफर की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ट्रांसफर हो जाए। ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्यों, पुलिस में कोई ना कोई तो अपना होना ही चाहिए। देखिए मिस्टर आनंद, हम स्टूडेंट्स हैं, कभी कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ एजिटेशन तो कभी डेमोन्स्ट्रेशन और कभी कभी नारे भी। आप यहाँ आ जाएंगे तो बस ठाट से मनमानी कर सकें। तब तो मुझसे आपको बहुत निराशा होगी। लेकिन क्यों? देखिए मैं शरारती तत्वों के साथ बहुत कड़ाई से पेश आता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि वो मेरे मित्र हैं या सगे संबंधी। तब तो मिस्टर आनंद आप तुनी में ही रहिए, आपका वहीं रहना ठीक है। बहुत अच्छे। I'm sorry, देर हो गई, बहुत लोग आ गए थे ग्रीन रूम में। कांग्रेचुलेशंस ज्योति। थैंक यू, तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था, सच सभी लोग तुम्हारी खूब तारीफ कर रहे थे। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया भाई। अच्छा, थैंक यू। आपको कुछ नहीं कहना? जरूर कहना, आप वाकई बहुत अच्छा डांस करती हैं। थैंक्स। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चलें? हाँ चलो, काम कर, चलो चलो, क्या ले लेते हैं? जानकी तेरी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई? बस माँ, हो गई। माँ अपनी सफलता की खुशी में ज्योति कल एक पार्टी दे रही है, छोटे मामा को खास तौर पे बुलाया है, मुझे भी और बहुत से लोग होंगे। तू वहां नहीं जाएगी? लेकिन माँ मैं तो हाँ कर चुकी हूँ। तो कल ना कह देना। पर माँ छोटे मामा भी तो मेरे साथ होंगे। तो छोटे मामा जहाँ जाएंगे वहां तू भी जाएगी? कल अगर मामा पूछेंगे तो? कह दे रहे मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगी, समझ गई? ये पार्टी यहाँ होगी क्या? नहीं। पार्टी तो होटल में अरेंज की थी, लेकिन वो जानकी के सिर में दर्द हो गया, तिलक को कुछ जरूरी काम याद आ गया। अब बचे आप और मैं, तो रोज रोज होटल जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोचो यहाँ आ जाए। क्यों, जगह? नहीं नहीं, जगह तो बहुत अच्छी है, शांत शीतल और सुनसान। वैसे किसी जगह का अच्छा या बुरा होना उस जगह पर नहीं बल्कि मन की स्थिति पर निर्भर करता है। क्यों,
शायद दोनों पर। हाँ यही कि मुझे अपनी भावनाओं पर संयम रखना चाहिए। हाँ हाँ जरूर रखिए, ताकि एक दिन आपको पता चले कि आपके दिमाग की नसें भटने लगी हैं और आपको नर्वस बैकग्राउंड हो गया। अब आप कुछ सोच रही हैं? हाँ क्या? यही कि दोस्तों से दूर ये जगह ठीक रहेगी, यहाँ बैठे। हाँ हाँ से इतना दूर बैठेंगे? नहीं ज्योति, मैं तो तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ, बहुत पास। अगर तुम कहो तो। ओह, अगर मैं कहूँ तो? और अगर मैं ना कहूँ तो भी मैं पास आ जाऊँगा। अगर मैं मना कर दूं तो मैं और ज्यादा पास आ जाऊंगा। अरे आप अचानक? बस आपकी तबीयत के बारे में जानने चला आया। अब आपका सरदर्द कैसा है? सरदर्द? हाँ ज्योति कह रही थी कि आपके सिर में बहुत दर्द है और इसलिए आप पार्टी में नहीं आए। हाँ 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 उस वक्त बहुत था, अब ठीक हूँ। आप पार्टी से आ रहे हैं? नहीं मैं भी नहीं गया, एक जरूरी काम बताकर मैंने माफी मांग ली। अरे आप अंदर आइए ना। आपकी माता जी कहाँ है? वो बाहर गई है। और आपके बड़े मामा जी? कभी गोष्ठी। तो क्या आप अकेली हैं? जी। फिर तो मुझे यहाँ इस समय नहीं आना चाहिए था। अच्छा मैं चलूंगा। नहीं नहीं आप माँ के आने तक रुक जाइए। क्यों? आप बैठिए तो सही। लेकिन आप मुझे रुकने को कह क्यों रही हैं? माँ पुरानी विचारों की है, 100 सवाल करेगी, कौन था, क्यों आया था, इतनी जल्दी क्यों चला गया। मेरे जवाबों से वो संतुष्ट नहीं होगी। आप यहाँ रहेंगे तो शायद आपको देख के इतने सवाल ना करे। ठीक है तो मैं रुक जाता हूँ। मैं आपसे एक झूठ बोलने के लिए माफी चाहती हूँ मिस्टर तिलक। झूठ? कौन सा झूठ? मेरे सिर में दर्द नहीं था। फिर? मुझे माने जाने से मना कर दिया था। क्यों? ज्योति जिस तरह से हंस हंस के छोटे मामा के साथ बात करती है वो शायद माँ को अच्छा नहीं लगता। वैसे एक बात मैं भी कहूँ। क्या? मुझे भी ज्योति का आपके मामा के साथ इस तरह खुलकर हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। कल आपने ग्रीन रूम में देखा था ना? हाँ लेकिन ज्योति विवश है, मुक्त स्वभाव की है, अपनी नेचर नहीं बदल सकती। अपने आचरण पर थोड़ा अंकुश तो लगा सकती हैं। तब ज्योति ज्योति नहीं रहेगी। हाँ हाँ वो तो अंधकार में विलीन हो जाएंगी। बाहर का दरवाजा खुला है, तुम्हारी हंसी की आवाज बाहर सड़क तक सुनाई दे रही है। बातों में इतनी मगन हूँ, घर में कोई घुस जाए तो। माँ मुझसे भूल हो गई, मैं दरवाजा बंद करना भूल गई, मुझे माफ कर दो। भूल हो गई या बातों में ध्यान नहीं रहा? माँ ये मिस्टर तिलक है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं,
मेरे मित्र। तुम्हारी इनसे मित्रता कैसे हुई? मामू तुम भूल गई हो, मैंने तुम्हें बताया था कि इन्हें कंपटीशन में सेकंड प्राइज मिला था। तो इस समय ये यहाँ? माँ मिलने आए थे माँ। तो फिर कुछ देर बैठेंगे, इनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं होगा क्या? अच्छा जानकी, अम्मा चलो। जी। क्यों? अकेले घर में अकेली लड़की से मिलने आने वाले लड़के की क्या मैं आरती उतारती? माँ तिलक ऐसा लड़का नहीं है जिस तरह से तुम उसे समझ रही हो, वो बहुत अच्छा है माँ। हाँ हाँ, तेरे तो सारे मित्र बहुत अच्छे हैं, ज्योति बहुत अच्छी है, अब ये तिलक बहुत अच्छा हो गया। तेरे मित्रों को हमारा ही घर मिला है आग लगाने के लिए। अब रोके मुझे मत डरा, जम हाथों। एक समस्या हल नहीं होती, दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती है। ज्योति, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। पा तो लिया? नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से पाना चाहता हूं। मंदिर यहां से ज्यादा दूर नहीं है आनंद, तुम्हारे साथ वहां तक पैदल चल सकने का साहस है मुझ में। विवाह? हाँ विवाह, तुम अभी मुझसे शादी कर लो। अभी? अचानक? जिंदगी में बहुत कुछ अचानक होता है आनंद, लेकिन जो लोग सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन क्या? मैं विवाहित हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ, लोगों को अगर पता चल गया तो? देखो आनंद, ईश्वर को साक्षी मानकर मुझसे विवाह कर लो। यकीन रखो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर तुम पूर्णा से सेपरेशन के लिए अर्जी दे देना, तुम्हें तलाक मिलते ही हम दोनों विधिवत रूप से शादी कर लेंगे। ऐसा करने में कोई खतरा तो नहीं है? कमाल है आनंद, तुम मुझे संपूर्ण रूप से पाना भी चाहते हो और खतरों से भी डरते हो। कितनी अजीब बात है, डरना तो मुझे चाहिए और डर तुम रहे हो। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली ज्योति? कितना समय अंधेरे में भटकने में नष्ट हो गया। देर तो अब भी नहीं हुई है आनंद। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। माफ करना दीदी,
मैं आज बताना भूल गया था कि खाना घर पर नहीं खाऊंगा। तेरे लिए बनाया भी नहीं। क्यों? पार्टी से कोई भूखा थोड़े आता है। पार्टी क्या मंदिर में थी? नहीं तो तेरे माथे पे टीका है इसलिए। ओ, वो तो दीदी हम लोग पार्टी के बाद सीधा मंदिर चले गए थे। बड़ी खुशी की बात है, तुझे ईश्वर की याद तो आई। अब दीदी तुम भी याद करती हो। दीदी ईश्वर की याद तो मुझे हमेशा आती है। क्या बात है, आज घर में इतनी शांति क्यों है? तूफान के बाद शांति छा जाती है। तूफान? हाँ वो तूफान ही तो था जो तुम्हें पार्टी से सीधा मंदिर ले गया। एक बात समझ लो आनंद, पत्नी कोई कैलेंडर या डायरी नहीं होती जो हर साल बदल दी जाए। पूर्णा तुम्हारी पत्नी है और इस घर की बहू। पूर्णा की जगह इस घर में और कोई नहीं ले सकती। देखो आनंद, तुम्हारे आचरण के कारण जानकी पे बुरा असर पड़ रहा है। मैं आज बाजार से लौटी तो देखा एक जवान लड़की के साथ बैठी खिलखिलाकर हंस रही है। कौन था वो? उसका कोई मित्र तिलक। ओहो तिलक, अच्छा अच्छा अच्छा। तिलक तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो यहाँ कैसे आया? उसने तो कहा था कि उसे एक जरूरी काम है, तभी तो वो पार्टी में भी नहीं आया। उसे यहाँ जो आना था। नहीं नहीं दीदी, वो तो बहुत सीधा लड़का है। पर ये है कौन, किसका लड़का है, कहाँ रहता है? ये तो मुझे मालूम नहीं दीदी, लेकिन मैं जल्दी ही उसके बारे में सब कुछ पता कर तुम्हें बता दूंगा। तब तो तुम उसे यहाँ आने दोगी? नहीं बिल्कुल नहीं। लड़का चाहे सोने का क्यों ना हो, जवान लड़की से मिलना जुलना बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दीदी समय तेजी से बदल रहा है, आजकल तो कॉलेज में लड़के लड़कियां एक साथ। हाँ हाँ, तभी तो हर तीसरे घर में आग लगी हुई है। मैं जानकी का कॉलेज जाना बंद करवा दूंगी, उसे लेके गांव चली जाऊंगी। नहीं नहीं दीदी ये मत करना, देखो अनर्थ हो जाएगा, जानकी का भविष्य चौपट हो जाएगा। देखो दीदी मैं तिलक के बारे में सब कुछ मालूम करूंगा, उससे बात कर उसे समझाऊंगा, और अगर तुम नहीं चाहोगी तो वो यहाँ नहीं आएगा। हाँ यही ठीक रहेगा, मैं मोहल्ले में रहती हूँ, किस किस को सफाई देती रहूंगी। ठीक है मैं समझ गया। तो ये शुभ सूचना देने के लिए तुम काकीनाडा से यहाँ आई जी, और चाहती हो कि फिलहाल ये बात मैं अपने तक ही रखूं? जी हाँ। और अगर मैं तुम्हारी ये बात ना मानूं तो उससे आप ही को परेशानी होने वाली है डैडी। आपको ही लोगों के ऑकवर्ड सवालों का जवाब देना पड़ेगा, बेकार की एम्बैरेसमेंट होगी। मुझसे बेहुदा सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं। तो फिर वो पीठ पीछे बातें करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, निंदा करेंगे, क्या फायदा? लेकिन अगर आप चुप रहेंगे और बात को अपने तक ही रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, जीवन जैसा चल रहा है चलता रहेगा। तो उतावली में शादी करने की क्या जरूरत थी? डैडी आपसे कभी झूठ नहीं बोला है, आज भी नहीं बोलूंगी। दरअसल लड़का छलकते मन का है, हो सकता था कि दो दिन के बाद उसका मन बदल जाता, इसलिए जैसे ही वो राजी हुआ हम दोनों ने फौरन शादी कर ली। तो फिर शादी के बाद छुपा कर क्यों रखना चाहती हूँ? लड़के को कुछ प्रॉब्लम्स हैं डैडी, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्व होते ही हम दोनों अपनी शादी के बारे में लोगों को बता देंगे। अच्छा लड़का कौन है? वक्त आने दीजिए डैडी, आपको सब कुछ बता दूंगी। अगर उसका मन इतना कमजोर है तो तुमने उससे शादी क्यों की? तुम्हें एक से एक अच्छे लड़के मिल जाते। लेकिन ये तो नहीं मिलता। तो इसमें ऐसी क्या बात है? He's special, Daddy. He's very special. फिर मुझे उससे कुछ अकाउंट्स भी सेटल करने हैं। उससे शादी करके तुम खुश हो? कम से कम आज तो बहुत खुश हूँ। You know, Daddy, मुझे एक अजीब सी अचीवमेंट की फीलिंग हो रही है। और कल? कल के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? कल किसने देखा है? वैसे आप बता सकते हैं कि कल क्या होने वाला है? नहीं। तो फिर कल की चिंता में आज के सुख को क्यों गवाया जाए? डैडी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना, आई एम सॉरी।
डैडी मैं चाहती तो आपको ये बात कभी ना बताती, लेकिन अगर ये बात उड़ती उड़ती आपके कानों तक पहुंचती तो आप और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते, सिर्फ इसीलिए मैं आपसे कहने आ गई। कह चुकी हो या और भी कुछ रह गया है? रह गया है क्या? मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ। क्या? पढ़ाई नहीं, सिर्फ हॉस्टल। तो फिर रहोगी कहाँ? कहीं भी एक छोटा सा मकान किराए पर ले लूंगी डैडी, और जो सपने देखे हैं उन्हें साकार करने की कोशिश करूंगी। चलती हूँ डैडी। शादी के बाद पहली बार घर आई है, आशीर्वाद नहीं देंगे? ज्योति, धरती हो या आसमान, अपना